जो भी चाहिए Z5 पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। मुझे अपने इस दोस्त से जरूर मिलना है। तुम मेरे लिए ना दोस्त से भी कहीं ज्यादा हो, क्योंकि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया ना तब तुमने मेरा साथ दिया। सो प्रॉमिस करो हम मिलेंगे ना। ठीक है। 10:55। हेलो तुम नक्श को मैं कभी सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगी। हे भगवान जी मेरी मदद करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों कभी किसी के भी साथ अन्याय हो, ना रिमझिम के साथ और ना ही नक्श के साथ। पता चला है कि किसी ने जानबूझकर वर्कर्स को उकसाया था स्ट्राइक करने के, और तो और पैसे भी खिलाए थे ताकि ये स्ट्राइक लंबे समय तक चलते रहे। कौन है वो जो मेरी फिल्म बंद करवाना चाहता है? मैं तो फोन देखते ही समझ गई थी कि तुमने मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया है। नताशा तुम्हें यकीन नहीं होगा मुझे अभी अभी क्या पता चला है। क्या? वर्कर्स को पैसे देकर किसने स्ट्राइक करवाई थी, किसने उन्हें उकसाया था? किसने? पाखी ने। डबल क्रॉस किया उसने मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाकी कोई गलती नहीं है, खाने में जहर नताशा ने मिलाया था, बा ने नहीं। क्या लग रहा था तुम्हें स्ट्राइक करके मेरी फिल्म बंद करवा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? याद रखना जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तुम सिल्क ही रहोगी, वरना तुम्हारी बा जेल जाएगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। I'm sorry, रिमझिम, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें मेरी आवाज से प्यार है और मुझे तुमसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नक्श। I love you। अब तू भी जान गया है ये लड़की जो भी कुछ कर रही थी वो क्यों कर रही थी। आज जन्माष्टमी के दिन मैं वचन लेता हूँ कि अपने फोटोग्राफी के सपने को हमेशा हमेशा के लिए चला के रख कर दूंगा और सिर्फ फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान दूंगा, इस शर्त पर कि जानकी आंटी और पाखी इस घर से नहीं निकाले जाएंगे। मेरे नक्श के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ए दिखरी, क्या तू मेरे नक्श से शादी करेगी? जा मौसमी जा, सबको बता दे कि बा ने अपने पोते के लिए लड़की पसंद कर ली है। इतनी खूबसूरत आवाज के बारे में हर बात जाननी है मुझे। जो आवाज तुम्हें पसंद है ना उसका एक नाम है सिल्क। मैं ये आवाज एक एक्ट्रेस नताशा को डब करने के लिए करती हूँ। मैं सिल्क हूँ नक्श। नक्शी, क्या ये आप हैं? नक्शी, ये आप हो? अरे रिमझिम रिमझिम तो बारिश होती है। अबे तेरी पागल, इधर आ चली। निशान, पानी डालो उसमें। और तुम पागल हो क्या? ये सब लेके आंखें बंद करके पूरे घर में घूम रही हो, अभी आग लग जाती कमरे में तो। इडियट, आप थी, मोटे भाई थे और आपके प्रेम की आग थी जो इस घर को जलाएगी एक दिन। कदा तो जला दिया मेरे कमरे का। मेरा कमरा करना बंद करो क्योंकि बहुत जल्दी ही ये कमरा मेरा होने वाला है और वैसे भी मेरी साइड का गद्दा जला है, नक्शी की साइड का गद्दा अभी भी सुरक्षित है। ओ हेलो, ए ईशान, अरे अब तू कहाँ जा रहा है यार?
कि बुआ ने ना सारे गद्दे मेरे मत्थे मार दिए। ईशान सुनना यार, प्लीज नताशा मैम समझने की कोशिश कीजिए, मैं आज 7 बजे तक वहाँ नहीं आ सकती। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा 7 बजे तक वहाँ रहना ना बहुत मुश्किल होगा। आप प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए ना। तुम हो कौन जिसके कहने पे टाइम चेंज होगा? तुमसे पूछने के लिए फोन नहीं किया है मैंने, तुम्हें बताया था कि 7 बजे आना है, और वैसे भी इतने दिनों बाद शूटिंग स्टार्ट हो रही है, डायरेक्टर को नाराज करके मुझे और लेट नहीं करना है, इसलिए अपनी चालें अपने पास रखो। चाल नहीं है ये मेरी, मजबूरी है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा आज यहाँ रहना बहुत जरूरी है, घर पे बहुत बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप शूट थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, मैं 4 बजे तक आ जाती हूँ ना। जानता हूँ कि प्यार में हर पल शुभ होता है, मैं तुम्हें अंगूठी तभी पहनाऊंगा जब मुहूर्त होगा, तो फिक्र मत करो, बाकी सब ना बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही होगा। चलो मुस्कुरा दो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सगाई की अंगूठियाँ तो है नहीं। अंतरा को धोखा देने की कीमत होती है जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी लेकर मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। मर नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा। मगर क्या? अपने बारे में ध्यान देना कब शुरू करोगे? दूसरों के मामले में दखलंदाजी देना बंद करो। हमें दूसरों की नहीं बल्कि अपने दोस्त की फिक्र है, कबीर हमारा दोस्त है अम्मा। अब हम दिलो जान से जारा और कबीर की दोस्ती तोड़ने में लग जाएंगे, हम सबके साथ कबीर को भी बर्बाद कर देंगे। कबीर अगर हमारा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। ये सेहरा हटाइए और चुपचाप हमारे साथ चलिए। ये ऐसे नहीं मानेगा इंस्पेक्टर। नन्हे कान्हा, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हें इन जैसी माँ मिली। वो मेरी माँ नहीं, वो तो रसगुल्ला है। ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी माँ नहीं, आप मेरी माँ हो। राहुल आया था, वो कह रहा था कि उसने त्रिपाठी परिवार से कभी कोई पैसे नहीं मांगे। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मुझे उस पर यकीन नहीं है। और मुझ पर? इसे ढूंढ रही है ना, मलार ने केतकी के लिए यही साड़ी चुनी है। और हाँ, साड़ी को अच्छे से देख लीजिएगा। काका ने ऐसा क्यों कहा कि साड़ी अच्छे से देख लेना? सरू ना कुछ साड़ी में गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सरू कुछ ना कुछ तो है इस साड़ी में। आई आई आई, इस साड़ी पे कुछ लिखा है। कृषि बनकर आई है शान और अस्मिता की जिंदगी में कृष्णा का रूप, जो कराएगी उनका फिर से मिलन। Thank you.
कैसे करेगी वो कंस रूपी नंदिनी का अंत, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां कल शाम 7 बजे।